हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहिनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, बिकॉज आज मेरे ब्रदर का बर्थडे है। तो हम लोग जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं। मैं तो तैयार हो गई और मैं बस हम लोग सब रेडी हो गए हैं, तो बस अब हम निकलते हैं और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ रास्ते में। हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के घर। तो अभी बर्थडे बॉय भी नहीं आया है, तो और ये देखो वर्षा भी आ गई है। हेलो करो गप्पू, यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता। देखो तो यहाँ बर्थडे बॉय आ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया था हनी को आने में, थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज इसकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी और इसका हॉस्पिटल भी थोड़ा सा दूर है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। और यहाँ हम लोगों से पूछता है ये क्या पहनूँ। कुछ भी अगर शॉपिंग भी करने जाता है ना, तो भी हम लोगों से ज़रूर पूछता है। हम तीनों सिस्टरों को व्हाट्सअप करता है कि कौन सी ड्रेस अच्छी है, क्या अच्छा लग रहा है, सब चीज़ पूछता है। तो यहाँ पर अब हम केक कट कर रहे हैं। अथर्व को इतना ज़्यादा शौक आ गया है ना, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है ना केक कट करने का। किसी का भी बर्थडे होगा, सबसे पहले इसको केक कट करना होता है। तो यहाँ पर बस हम पूरी फैमिली इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोग बैठ के अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी साथ में बैठ गई थी, मम्मी ने बोला कि तुमने भी बर्थडे पे केक कट नहीं किया था ना, आओ तुम भी आके बैठ जाओ यहीं। तो अब हम यहाँ पर सारे अपना अपना केक इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और खाना भी मम्मी ने जल्दी ही बना के तैयार कर दिया था, बस नान बनाने रह गए थे। तो यहाँ पर मम्मी और मैं मिल के दोनों नान बना रहे हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नान सीख गए हैं। अच्छे से बन भी जाता है, बहुत इजी है। मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है नान कैसे बनाते हैं। और अभी अनुज वगैरह ये सब लोग डिनर कर रहे थे, हम लोगों ने थोड़ी देर में किया था। और डिनर में मम्मी ने बनाया था सोयाबीन की चाप बनाई थी, दाल मखनी बनाई थी, राइस बनाया था, नान बनाया था और रायता था। तो काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना बनाती है मम्मी। माँ के हाथ का तो हर किसी को ही अच्छा लगता है। मैं तो तरसती हूँ अपनी मम्मी के हाथ का खाने का, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है, हमसे भी अच्छा बनाती है। हम तो मतलब सबको अपने अपने हाथ का अच्छा लगता है, फिर भी ना माँ के हाथ का एक ऐसा खाना होता है कि हर किसी को अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं भी अब जल्दी से डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि अनुज ने कहा था कि हम डिनर करके निकल जाएंगे, पर हम लोग नहीं गए। गाइस, हम सबने अभी डिनर कर लिया है और आज हमारा जाने का प्लान नहीं है घर पे, बिकॉज कल संडे है। तो हमने सोचा कि कल ही निकल जाएंगे, तो आज मैं मम्मी के यहाँ रुकूंगी। वर्षा भी रुक गई है और पूरी रात बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे सभी के लिए, और यहाँ पापा और मैं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ना फ़ोन लगा दिया था, मैं ज़्यादा बोली नहीं थी, क्योंकि पापा के सामने ना मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। पापा कुछ कहते नहीं हैं, पर फिर भी ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोली नहीं पापा के सामने। और यहाँ अथर्व देखो कितनी ज़्यादा नौटंकी कर रहा है। और ये थोड़ा सा मैंने लंच का शूट कर लिया था, हम लोग लंच कर रहे थे, तो इसके बाद ना मेरा फ़ोन बिल्कुल ही चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो गाइज, जस्ट हम अभी घर पहुंचे हैं, अभी शाम के 6:30 हो गए हैं। लंच के बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरा फ़ोन है ना बिल्कुल डेड हो गया था,
बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी मेरे फ़ोन में, और मैं चार्जर लेके नहीं गई थी क्योंकि हमारा रुकने का प्लान नहीं था। एकदम से ही रुकने का प्लान बन गया क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, तो मम्मी पापा ने बोला कि रुक जाओ घर जाके भी क्या करोगे, तो फिर हम रुक गए। तो सबसे पहले आके मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया जल्दी से, 15 मिनट ही हुए हमें आए हुए, मैंने 15 मिनट के लिए फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, सोचा कि इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, एकदम से घर में जैसी एंट्री की है ना इतना गर्म लग रहा था रूम, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे जब इतनी गर्मी हो रही है तो बाल खोल के क्यों बैठी है, एक्चुअली मुझे ऑयलिंग करनी है, मैं यहाँ पर ऑयल लेके बैठी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने हेयर ऑयलिंग नहीं किए हैं। तो बस चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना, बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और गाइज मैं देखती हूँ सिर्फ 50% लोग ही मेरे चैनल को देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, 50% मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, तो प्लीज़ गाइज ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी जल्दी आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।